गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। सो दिन की शुरुआत हो चुकी है एंड आज इलेक्ट्रिशियन वाले भैया आए हुए थे और भाभी ने बुलाया और एरोप्लेन्स की आपको आवाज़ आ रही होगी। तो 26 जनवरी आ रही है तो कल से ही मतलब ऐसी आवाज़ें आई जा रही हैं, कंटिन्यूसली आती रहेगी। और क्या कहते हैं, भाभी का भी ना मैंने आपको बताया था कि जो मेरी मोटर का अलार्म था वो बजता ही नहीं था, बज ही नहीं रहा था। तो भाभी के साथ भी दिक्कत हो रही थी तो दोनों के लिए बुलाया, अब वो ठीक कर गए। अब मेरे वाटर वेल बज रही है तो 10-15 मिनट डीसी में ही लग गए। अब जाती हूँ नीचे जल्दी से और ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। वैसे तो मम्मी कह ही रहे थे कि मूली के परौंठे बनाने हैं आज और मनु ने भी कपड़े निकाले, कह रहे प्रेस कर देना, तो वो भी करती हूँ। तो आइए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज तो स्मार्ट लग रहे हो आप। नई बात बताओ। नहीं, आज ज्यादा लग रहे हो यार। अभी नई बात बताओ। ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ज्यादा लग रहे हो। थैंक यू, वेलकम। प्रेस कर दी थी जींस की, आती ना। हाँ। ये जैकेट सूट कर दिया आप पे, इसमें ठंड तो नहीं लगेगी? अंदर पहना हुआ ना, अंदर पहना हुआ ना, ठंड तो नहीं लगेगी? ठीक है। तो जस पहनने वाले तो आप हो, जस तो आप पे रही है। थैंक यू। ये पार्सल भी आ गया मेरा। आ गया? हाँ, ये वही लेने गई हुई थी नीचे ना भैया से ना। अच्छा। तो वहाँ पे रखवा दिया था हम, तो ये लेकर आई हूँ। अभी तक भी दर्द है? अभी भी दर्द है। पेन किलर वाला तो नहीं है ना कि पेन किलर खानी पड़े? अब पहले से उतना तो नहीं है ना? उतना नहीं मेरे दर्द है। पेन किलर लाऊं? एक बार डॉक्टर को दिखा दो आप, यहाँ तो ये ना लॉन्ग टर्म इंजरी हो जाए कुछ। लो पहले नाश्ता कर लो, व्लॉग देख रहे हो मम्मी का। पेन किलर ला देती हूँ, मान लो। वॉलिनी लगा दूँ? ला के वॉलिनी लगा दूँ? मैं लगा ला देती हूँ, वॉलिनी लगा देती हूँ, ठीक है? गाइज, मुझे ये सुबह ही आया हुआ था, ये विंसन ब्रांड की साइट से ये मुझे पार्सल आ रखा था। तो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था जो ब्लो ड्रायर है वो विंसन ब्रांड का ही, तो मेरे को इतने ज़्यादा उनका पसंद आया तो मैंने और ऑर्डर कर दिए। एक ही मैंने ऑर्डर करा है, ये हेयर टूल ऑर्डर करा है, ये हेयर वेवर है। तो मुझे बहुत टाइम से ना हेयर वेव वाला चाहिए था तो ये वाला मैंने एक ऑर्डर करा है। और एक किया है, ये है कैलस रिमूवर। ये घर बैठे बैठे पेडिक्योर बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे प्रोफेशनल पेडिक्योर होता था वैसे ही देता है। तो जब भी मैं ओपन करूंगी तब मैं आपको इसको अच्छे से दिखाऊंगी। देन एक मैंने ये ऑर्डर करा है, आईब्रो ट्रिमर है। मेरे पास फेशियल हेयर रिमूव का तो है ही, तो आईब्रो का भी मैंने ट्रिमर मंगवा लिया है। तो ये तीन चीज़ें आई है मेरे पास अभी सुबह ही और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे ये वाले हेयर देखने हैं कैसे होते हैं, तो जल्दी मैं अपना हेयर लुक इससे स्टाइल करूँगी, देन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो ब्रेकफास्ट में आज बने हैं मूली के परौंठे। तो हम तीनों सास बहू आज मिलकर ही साथ में, हमने कहा अब से होना चाहिए साथ में ही खाया करें, है ना भाभी? ब्रेकफास्ट लंच एक ही टाइम पे खाओ। आज क्या हुआ? हाँ। मैं तो पुआ के मूड में थी। हाँ। और मूली कद्दू कस कर रही थी मुझे। हाँ। दिल कर गया परांठा। मैं परांठा खा रही हूँ। अच्छा, डाइटिंग पे हो? डाइटिंग है वैसे ही, मन नहीं करता? मन करता ही नहीं। ओके, परांठा बनता ही नहीं। कम बनते हैं। चलो खाओ, अच्छे लगते हैं कभी कभार खाने में। मेरे को तो आलू के और गोभी के परांठे मेरे फेवरेट है, वो बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। गोभी और आलू के, गोभी के तो मेरे को बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। वो फ्राई वाले जो बनते हैं, फ्राई करके, हाँ वो बहुत टेस्टी बनते हैं। चलो गाइस, करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। अभी बस आलू लेने गई थी नीचे। मम्मी अच्छा आप देना, मुझे रेट बता दिया कि 20 रुपए किलो है। तो भैया कहते 50 के 2 किलो है, मतलब 25 रुपए। मैं कहा मम्मी तो बोल रहे थे 20 के है, कह रहे फिर ऐसा करो 50 के 2.5 किलो ले लो। मैंने कहा चलो दे दो। हाँ मैं वही, मैंने कहा तभी आज ना आपसे रेट पूछ के चली गई, मैं कहा पता हो मुझे। फिर ना धनिया नहीं दे रहे थे। अच्छा। मैं कहा थोड़ा सा धनिया डाल दो, कह रही है तो 10 रुपए का आया है। मैं कहा कोई नहीं दे दो, तो डाल दिया। फिर बड़े वो करते हैं छोटी छोटी चीजों में भी। नहीं लिए, दे दिए, बोल रहे थे, कह रहे ये है वो है वो है। हाँ, महंगा देते जो रोज हम रोज लेते हैं ना, तो हाँ, पता है को रेट क्या। हाँ हाँ, अब ऐसे
अदरक में भी देख तेरे को 70 की लगाई थी 70 की हाँ 70 की और मैं हाँ। कल 40 रुपए की हाँ हाँ फिर उसने दी 50 रुपए की थोड़ी सी फालतू थी 50 रुपए की नहीं और आपकी अदरक भी सही लाए हो गोरी गोरी है अदरक का अच्छा हाँ ठीक नींबू का चार बना रहे हैं हाँ ठीक है नींबू को हम नमक में लगा कर 4-5 दिन के लिए रख देंगे ठीक है और पहले वाला हो गया मम्मी नहीं अभी लगेंगे टाइम लगता है इसमें नहीं निकल रही तो हाँ 15-20 दिन लग जाएंगे धूप में ओके टाइम थोड़ा गुड़ का बनाते पहले चीनी को मैंने गुड़ वाला नहीं खाया नहीं गुड़ वाला भी अच्छा होता है खाएंगे अब इस बार खा के देखोगे जो मासी ने भेजा था वो अचार नहीं खाया था नहीं खाया था वो गुड़ वाला गुड़ का था पता ही नहीं चला था उसमें तो कोई डिफरेंस गुड़ और चीनी में मीठा होता है खट्टा मीठा होता है खट्टा मीठा ही होता है नींबू का ना ठीक है ठीक है चलो मैं आलू छिलती हूँ आलू काटती हूँ आलू बनाते हैं फिर बस अभी लंच तो बन गया है मन्नू की ही वेट हो रही है मन्नू सब आएंगे फिर साथ में ही लंच करते हैं फ्राई आलू बन गए हैं और दाल भी मूंगी मसर की बनी हुई है तो मन्नू के दोनों ही फेवरेट है अब हमने कहा चलो आज मन्नू के खाने के जो उन्हें फेवरेट लगता है वही बना देते हैं बस अभी जैसे ही मन्नू आते हैं उसके बाद फिर हम लोग भी अपना लंच करते हैं अभी बस मन्नू आया है लंच के लिए तो लंच में हेलो गाइस कैसे हो आप सब सबको राम राम जी तो आलू बनाए हैं आलू फ्राई बनाए थे दाल बनी हुई थी और ये भाभी ने आज बनाई है कढ़ी तो मन्नू का भी आज कढ़ी खाने का मन नहीं मन्नू की तो फेवरेट ही है मूंगी मसर की दाल और यही है आलू फ्राई तो वही बना दिए थे हमने ठीक है और ये फिर मैंने आपके लिए बना दिया था चटनी में ना प्याज डाल के सही है ना चलो लंच करते हैं गाइस आप भी खा लीजिए जा रहे हैं मिलता हूँ रात को फिर ठीक है जी ओके गाइस मिलते हैं रात को बाय 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 गाइज बस लंच करके ऊपर आई थी एंड रेडी हो रही थी और मैंने सुबह वाले व्लॉग में आपको दिखाया था कि मैंने विंसन से प्रोडक्ट्स मंगवाए तो उसमें से एक जो प्रोडक्ट था वो ये था ये आईब्रो ट्रिमर था वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट मेरे को तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मैं इसे यूज़ करूँ इसे यूज़ करूँ सो बेसिकली मैं ना कभी भी ना अपनी आईब्रोज ना मतलब पार्लर वाली आंटी से नहीं करवाती पहले करवाती थी जब छोटी थी सो वो क्या करते थे कभी या तो पतली कर देते थे या शेप बिगाड़ देते थे मोस्टली आप लोगों के साथ ऐसा हुआ ही होगा जितनी भी गर्ल्स हैं दे कैन रिलेट विद मी कि जब भी हम करवाते हैं आईब्रोज तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट रहते ही है आईब्रोज को तभी कहते हैं दे आर नॉट ट्विन सिस्टर वो कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकती दोनों आईब्रोज अलग ही रहेगी सो फिर मैंने क्या किया मेरे को ना बड़ी दिक्कत हो रही थी तो मैंने ना आईब्रोज बनवाना बंद कर दिया 7-8 मंथ्स ना मैंने आईब्रोज नहीं बनवाई और उसे ग्रो होने दिया कि जितना आना है आ जाए उसके बाद प्लकर की हेल्प से मैंने खुद से ही पूरी एक शेप बनाई एक शेप आ गई उसके बाद जब भी कोई एक्स्ट्रा हेयर होते थे तो मैं वो प्लकर की हेल्प से उसे प्लग कर लेती थी सो तब से तो मेरा काम चल ही रहा है मतलब मेरे को 4-5 ईयर समथिंग ऐसे हो ही चुके हैं आने देखिए आईब्रोज मेरी एकदम इंटैक्ट मुझे अपने हाथ से की हुई एकदम इंटैक्ट लगती है सो अभी ये वाला प्रोडक्ट मुझे दिखा तो मैंने ऑर्डर करा तो ये कुछ ऐसा दिखता है गाइस ये देखिए कुछ ऐसा है ये आगे बिल्कुल पॉइंटेड सा है तो ये इस बॉक्स में आया है और क्या कहते इतना ज़्यादा पॉइंटेड है ना आपकी इजली आईब्रोज हो जाएगी जस्ट आपको ना इसे देखिए पीछे ये है ठीक है पीछे की साइड पे ये है इसको आपने बस बटन को आपने इसे प्रेस किया ठीक है ये देखिए ये लाइट चलिए स्टार्ट हो गया ठीक है अभी तो मैं आपको विदाउट इसके दिखाऊंगी देन आपको जस्ट अपनी ऐसे आईब्रोज के आसपास ना जहाँ जहाँ पे भी एक्स्ट्रा हेयर है उसको सर्कुलर मोशन में इसे घुमाना है आपके हेयर चले जाएंगे एंड इट्स अ पेनलेस ये कम्प्लीटली पेनलेस है इससे आपको इतना सा भी पेन नहीं होगा तब इतना चलेगा गाइज आपको कि आपने कुछ कर भी रहे हो तो प्लकर से भी पेन होता है थ्रेडिंग करवाते हैं उससे भी होते हैं कई लोग एक्स्ट्रा के लिए वैक्स करवाते हैं जो कटोरी वाली वैक्स आती है उससे भी पेन होता है बट इट्स कम्प्लीटली पेनलेस तो इसके साथ ही आपको ये एक केबल मिलेगी बिकॉज ये ऐसे चार्ज होता है चार्ज ऐसे वाला है तो ये आपको ये वाली साथ में केबल मिलेगी और एक क्लीनिंग के लिए ब्रश मिलेगा तो ब्रश इसलिए है बिकॉज ये जैसे ये आपको दिख रहा है इसे हम आगे से ओपन करेंगे इसके हेड को तो जो भी एक्स्ट्रा हेयर है वो कहाँ स्टोर होते हैं गाइस गिर गया एक मिनट
सो एक्स्ट्रा जो हेयर है वो यहाँ पे स्टोर होते हैं गाइस, ये देखिए। तो ये ऐसे आगे इसकी कैप लग जाती है, तो ये क्लीन करने के लिए ब्रश दे रखा है, वेरी वेरी इफेक्टिव प्रोडक्ट। सो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। विंसम की प्रोडक्ट्स पे अभी चल रहा है 50% तक का ऑफ, अप टू 50% तक का ऑफ है। कुछ प्रोडक्ट्स पे 30% का है, कुछ पे 40% का है, कुछ पे 50% का। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप इसका प्राइस जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। मेरे कहने पे आप इसे ज़रूर मंगवाइए, देखिए कितना कॉम्पैक्ट सा है एंड ईजिली आप इसे कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ट्रैवलिंग के लिए कितना सही है, मतलब अपने साथ लिए गए और कभी भी कुछ हुआ किया एंड वाला आईब्रोज रेडी हो जाएगी। सो वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट गाइस। गुरुद्वारा साहिब जी के दर्शन कर लीजिए। तो ये पीछे वाली बालकनी पे पास में ही ये गुरुद्वारा साहिब जी है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सो गाइस बस अभी मैंने नेल रिमूव करे हैं, तो नेल निकल ही रहे थे, मैंने कहा चलो एक बार मैं रिमूव कर ही देती हूँ। और अभी सिर्फ ये वाला एक नेल रह गया है, तो इसे कट तो कर दिया, बाकी अभी इसे गर्म पानी से निकालती हूँ। और यहाँ पे पर सब अपना अपना बिजी है, मम्मी अपनी वीडियो देख रहे हैं और भाभी ऊन बना रहे है। इसके लिए बना रहे हो अब परू के लिए? अरे परे की गाड़ी हमने तो पहले नहीं देखा, मेरे को नहीं पता था इसमें इतने सारे कलर्स है। परी दिखाना, दिखाना परी। ये देखिए परी की कार, मुझे पता ही नहीं था कि इतनी कलरफुल है और ये आवाज भी निकालती है। वाह, म्यूजिक वाली है, चलेगी भी, नीचे चलती है ना परी, दिखाना। हाँ आज एकदम टाइम से आ गए हो आप, पौने 10 बजे। थोड़ा रश कम था, ठंड ज्यादा हो गई ना। ओके चलो सर। हाँ ये रे हम, ये रे हम, ये रे हम, कैसे देख रही है? आजा 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 आप भी आजा, ग्रुप आजा, जल्दी 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 आजा 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 आजा। नहीं तो गाइज मैंने अभी ना मम्मी की ना मेडिसिन लेने लाई थी सामने कहने से, तो मैंने मम्मी ने उनको देखा यहाँ पे बेल ले रहे हैं मम्मी ने, मैं को मेडिसिन रंदी खा ले रही हूँ थोड़ी सी, फिर मम्मी मेरी बेल ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं बनाई, स्पाइसी नहीं बनाई ना, मैं तो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाई जाती। कितने की भैया? कितने की? 30 रुपये की। 30 में तो भैया पूरा डोंगा खरीद लूँ मैं। 50 रुपये 60 रुपये मजाक करो भैया, दिल पे क्यों ले रहे हो यार, तुम तो रुलाओगे, दिल पे ले रहे हो। हेलो बस आपको दिल पे ले रहे हो यार, तुम तो हंसा रहे हो। हेलो जी, हेलो, मुझे पता है आपका घर, मैं यही आ रहा हूं, हम लोग में आ रहे हैं। ये तो कंचन मासी है, उनकी फ्रेंड है, तो बहुत बार मिल चुके हैं, अब तो रिश्तेदारी, रिश्तेदारी के लिए पड़ोसी बन चुके हैं अब तो। और मनु को भी जानते हैं मेरे। हाँ, और जो हाँ पता, जो भैया है मेरे को अच्छी तरह जानते हैं, उनकी वाइफ हो आप। शेरू भैया की वाइफ हो ना? हाँ जी, चलो बाय, ओके बाय बाय। सो गाइज मैं आ गई हूँ ऊपर और हम अपना एडमिट इन पैरिस ही देख रहे हैं। मनु भी यहाँ पे, मनु आज खाना आप ही के साथ ऊपर ले आई हूँ मैं, ठीक है? ये रोटी ले आई, तो आज ये बनाया आपके फेवरेट, बताओ। इसलिए ऊपर आ गया, मेरे ना दर्द हो गई पीछे, दर्द ना भी मेडिसिन खा लेना, वॉलनी भी लगा देती हूँ मैं, ठीक है? तो खाना खा लो गर्म गर्म। सो गाइज खाने में है ये हमारे, ये क्या कहते हैं टमाटर प्याज का मसाला, चटनी है, सैलेड कह रही हूँ, अचार है, और ये रही रोटी। बस अभी मैं आप लोगों के कमेंट्स ही रीड कर रही थी, तो बहुत से ज़्यादा लोग तो हमें बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा सपोर्ट एंड प्यार देने के लिए। बट कुछ लोग बहुत बहुत ज़्यादा बुरे कमेंट्स करने लग गए हैं, एंड बुरे कमेंट्स भी वो इतने ज़्यादा बुरे होते हैं, लाइक पर्सनल लेवल पे वो पहुंच जाते हैं। तो ठीक है, हम अगर यूट्यूब पे हैं, सोशल साइट्स पे हैं, तो हमें दोनों चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए, अच्छी भी बुरी भी, और अच्छे से उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं तो है तो इंसान ही ना, कोई आपको बुरी चीज़ सुनाएगा तो यस बुरा लगता ही है, तो वैसे ही हमें भी बुरा लगता है। और एक दो बंदे तो इतने ज़्यादा वो है, मैं ना मतलब अपने जो कमेंट्स रीड कर रहे हैं और काफ़ी लोगों के उसमें पे रिप्लाई भी आते हैं, एक दो जने ऐसे जो पहले पूजा एंड हेमा ब्लॉग था उस पर भी मेरे अगेंस्ट ही लिखते थे। एक होता ना कि रेगुलर हर दिन एक अगेंस्ट लिखना,
ठीक है, समटाइम्स होता है आपको हमारी कोई व्लॉग दिखाते हैं, व्लॉग में कोई बात बुरी लगती है उस पर लिखते हैं, कभी अच्छी लगती तो अच्छा कमेंट लिखते हैं। बट कुछ लोग होते हैं रेगुलर ही, उनका बस उठते ही ये होता है कि आज बस कमी निकाल के और नेगेटिव कमेंट लिखना है, कमी निकाल के नेगेटिव कमेंट। पूजा हिमा ब्लॉग से उनने शुरुआत करी, मैंने वहां से उन्हें ब्लॉग कर दिया। ऑब्वियसली रोज रोज कोई इतना ज्यादा सुनाएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। देन पूजा एंड मनु ब्लॉग पे आए, देन अब भाभी भी ब्लॉग पे बहुत ज्यादा सुनाते हैं। भाभी मुझे बता रहे, कह रहे कोई पुराना दुश्मन है क्या जो इतना ज्यादा सुना रहा है, तो पता नहीं चलता क्यों, मेरे को तो खुद ही नहीं समझ आता ना, इतना ज्यादा पर्सनल सुनाते रहो, इतना ज्यादा पर्सनल सुनाते रहो तो बुरा लगता ही है। तो ठीक है, कोई नहीं, जो भी है जैसा भी है। इसी के साथ ये वाला जो ब्लॉग करती हूँ मैं, यहीं पे मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।